नमस्ते, मैं अविचल दुबे। इंडियन क्रिकेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। BCCI इस थ्योरी पर काम कर रही है कि अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान हों, और मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर्स का कप्तान बनाया जा सकता है, यानी कि वनडे और T20, और फिर विराट कोहली नज़र आएंगे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी संभालते हुए। ये अभी पूरी तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर की माने जो BCCI से इंटरनल जानकारी के आधार पर कही गई है, तो अभी हर फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करने वाले विराट अब 34 साल के रोहित शर्मा के साथ अपनी जिम्मेदारियां बांटने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को लिमिटेड यानी कि वनडे और T20 का कप्तान बनाया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है उसके कई सारे आधार भी बताए हैं और उसकी कई सारी जानकारियां भी शेयर करी हैं। रोहित शर्मा 5 बार IPL का खिताब जीत चुके हैं और T20 में उनकी कप्तानी के रिकॉर्ड भी काफी बेहतर हैं। अगर वाइट बॉल कैप्टन के रूप में नए कप्तान की जिम्मेदारियां अगर बांटनी है तो ये एकदम सही समय है। वैसे भी रोहित कप्तान बनते हैं तो भारतीय टीम के लिए एक फायदे की बात होगी, क्योंकि रोहित और विराट की एक दूसरे के साथ इस समय अच्छी ट्यूनिंग है। हालांकि ये बात भी लगातार कही जा रही है कि जब कप्तानी सौंपी जाएगी या जिम्मेदारियां बांटी जाएगी तब इसकी घोषणा खुद विराट कोहली करेंगे, और वो वक्त बताया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर के बाद ये वो वक्त हो सकता है जब विराट कोहली खुद से ही इस बात की घोषणा करेंगे। दरअसल ये माहौल बना कहाँ से कि जब अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तानों की बात कही जाने लगी तो ध्यान आती है ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत। उसके बाद लगातार ये कहा जाने लगा कि अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान जो होंगे वो भारत के लिए बेस्ट हो सकते हैं। उस समय अजिंक्य रहाणे टेस्ट टीम के कैप्टन थे, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में वो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। उसके बाद लगातार कहा जाने लगा कि वनडे का कप्तान कोहली को रख दिया जाए, T20 के लिए रोहित शर्मा बेस्ट होंगे और अजिंक्य रहाणे को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया जाए। लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर लगातार जो बात होती रही वो रोहित और विराट के लिए होती रही कि रोहित को कैप्टन बनाया जाए लिमिटेड ओवर्स का। अब इस पर BCCI ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट ये भी सामने आ रहा है कि चूंकि विराट कोहली के पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तीनों फॉर्मेट के वो कप्तान हैं, इससे उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ रहा है, यानी कि जिस तरह का खेल वो पहले खेलते थे अब नहीं दिख रहा है। इस वजह से जब जिम्मेदारियां बटेंगी तो उनके अंदर एक फ्रेशनेस आएगी और एक स्टेमिना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब वो मैदान में होते हैं तो एज ए कैप्टन रहते हैं और उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो एज ए कैप्टन लीड करते हैं, लेकिन इसके साथ ही दिक्कत होती है उनकी बल्लेबाजी पर। इसलिए ज़रूरत है कि उनको एक स्पेस दिया जाए। इसके साथ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में विराट कोहली को ही चुना जाएगा, क्योंकि विराट कोहली की जो फिटनेस है वो बड़ी शानदार है। 32 साल के विराट कोहली अपनी फिटनेस का खासा ख्याल रखते हैं और अभी भी लगता है कि 5-6 साल ऐसा क्रिकेट है वो टॉप क्रिकेट के रूप में खेल सकते हैं। इसलिए कोहली को टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में और T20 और वनडे में कोहली को एज ए बैट्समैन, एज ए बेटर बैट्समैन के रूप में देखा जा रहा है। अगर कोहली के परफॉर्मेंस की बात करें एज ए कैप्टन, तो 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के इस्तीफे के बाद टेस्ट टीम के लिए कोहली को कप्तान बनाया गया। फिर साल आया 2017 और धोनी ने सभी फॉर्मेट से कप्तानी में इस्तीफा दे दिया। कोहली को ही टेस्ट के बाद T20 और वनडे का कप्तान बनाया गया। कोहली ने अब तक 65 टेस्ट मैचों की कप्तानी की है जिसमें से 38 जीते हैं। वहीं 95 वनडे मैचों में कोहली ने टीम इंडिया को लीड किया, 65 में जीत मिली, अच्छा खासा एक रेट मान सकते हैं। विराट ने 45 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी करी और उसमें 29 में जीत हासिल करवाई। अच्छा रेट विराट कोहली का अभी भी रहा है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि विराट कोहली एक सफलतम कप्तानों में हैं भारत के। इसके साथ ही अगर रोहित की बात करें तो रोहित का जो परफॉर्मेंस है ऐसे बैट्समैन वो बहुत ही शानदार है। पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित को एक क्लासिकल प्लेयर के रूप में देखते हैं। वाकई उनका जो परफॉर्मेंस भी रहा है उतना ही शानदार है। अगर रोहित के परफॉर्मेंस की बात करें, मोटे तौर पर परफॉर्मेंस की बात करें, उनके परफॉर्मेंस में जो खास तौर पर उपलब्धियां हैं उनकी बात करें, तो रोहित शर्मा ने 2014 में 264 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इतने ज़्यादा रन किसी भी व्यक्ति ने
वनडे क्रिकेट में नहीं बनाए हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 400 छक्के लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। रोहित ने अब तक वनडे में 3 डबल सेंचुरीज और 8 बार 150 से ज़्यादा रन बनाए हैं, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमें याद आता है 2019 का वर्ल्ड कप और उसमें जिस तरह का रोहित शर्मा का जलवा कायम था, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने करी, उसके साथ साथ रिकॉर्ड बनते चले गए। तो अगर BCCI इस थ्योरी पर, इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान, जिसमें दो फॉर्मेट में एक कप्तान, खासतौर पर वनडे और T20 में रोहित शर्मा को और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को कप्तान बनाया जा सकता है, तो एक अच्छा मापदंड हो सकता है भारतीय क्रिकेट के लिए।